शिमारू के नए वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। मौसी, बहुत देर हो रही है। तुझे देख भी सकूंगी या नहीं? क्यों मेरा मन खराब कर रहे? और मेरा मन कभी तो भूले से याद कर लिया कर। और कोई दुनिया में है मेरा तेरे से भाई? ओहो मौसी, मैं फिर आऊंगा और बहुत दिन रह के जाऊंगा। सच कहता है? हाँ सच। रख मेरे सर पे हाथ। ठीक है। अच्छा मौसी, मैं चलूं, प्लेन मिस हो जाएगा। देख बेटा, रास्ते में मंदिर है ना, वहां माथा देखते जाना। वाह, आप तो सच में बहुत अच्छा गाती हैं। सुनिए सुनिए, आप उमा जी हैं ना, सदानंद जी की बेटी? आपको कैसे मालूम? कल शाम को आपका और आपके पिताजी का स्तोत्र पाठ सुना, बहुत अच्छा लगा। मौसी से पूछा तो उन्होंने आप लोगों का नाम बताया। आपकी मौसी यहाँ रहती है? हाँ, वो जो बूढ़ा बरगद का पेड़ है ना, उसी के पास। वो तो बड़ी माँ का घर है। बड़ी माँ? दुर्गा मौसी को आप बड़ी माँ कहती हैं? हाँ। आप सुबीर जी है ना? जी। बड़ी माँ दिन रात आपकी बातें करती रहती हैं, और जब भी विविध भारती पे आपका गाना आता है ना, रेडियो के सामने समाधि लगाकर बैठ जाती है। मैंने भी बड़ी माँ के साथ बैठकर आपका गाना सुना, बहुत अच्छा गाते हैं आप। लेकिन सभी गाने नहीं, कुछ गाने तो हा हा ही ही, चीखना चिल्लाना। अच्छा ये बताइए, आपने मेरा कौन सा गाना सुना है? नीत ना मिला रे मन का। हाँ, वो किस क्लास में आता है, अच्छे या हा हा ही ही? अच्छा, आपको बुरा तो नहीं लगा मैंने आपके? नहीं, बुरा क्यों लगेगा, आपने ठीक ही कहा। मुझे तो खुद अपने बहुत से गाने पसंद नहीं। फिर गाते क्यों हैं? क्या करूं, पब्लिक को ऐसे ही गाने पसंद, और फिर पब्लिक ठहरी जनता जनार्दन। आप लोगों को खुश करने के लिए गाते हैं? तो फिर किसे खुश करने के लिए गाऊं? खुद को। पिताजी कहते हैं जब गीत स्वयं के लिए गाया जाता है तो संगीत हो जाता है। ओ, तभी आपका गाना इतना मीठा लगा। मर गया। क्या हुआ? गाना और बातों में लगाकर आखिर आपने मेरा प्लेन छुड़ा ही दिया। मैं आपको गाना थोड़ी सुना रही थी, और बातें करने तो आप ही आए थे। फिर भी अगर मेरा प्लेन छूट गया तो आप जिम्मेवार होंगे। हाँ, कपड़े बदल कर मुंह हाथ धोकर खाना खा लो। मुझे भूख नहीं। जानती हूँ, बिरू चला गया इसलिए खाना नहीं खा रहे। मुझे परेशान मत, मैं नहीं खाऊंगी। ठीक है, तो मैं भी नहीं खाऊंगा। बिरू। हाँ मासी, जाते जाते ख्याल आया तुम रो रही होगी, इसलिए रुक गया। ठीक है ना, कुछ दिन रहेगा ना? सिर्फ आज। खैर, कुछ खाने पीने का इंतजाम करती हूँ, मुझे अचानक भूख लगी। और फिर सदानंद भैया के पास चलेंगे। अच्छा मासी। बापू,
अभी तक शुरू नहीं किया, देखो मक्खियाँ भिनभिना रही हैं। खाता हूँ बेटी, ये हमारे शास्त्र उपनिषद ज्ञान की खान है, जय बार पढ़ो तय बार नए अर्थ निकलते हैं। ठीक है तुम पढ़ो। अरे तुम पढ़ो ना। अरे क्या कर रहे हो, छोड़ छोड़। क्या भैया दिन पे दिन बच्चे होते जा रहे हो? अरे वहाँ बेटी बुढ़ापे में आदमी बच्चा हो जाता है और बेटी मां का रूप। बैठिए बैठिए। नमस्ते। ये मेरा बेटा बिरू सुबीर, इसके बारे में मैंने आपको कहा ही था, और ये मेरे धर्म भैया सदानंद। नमस्ते। जी तिरुवत, तुम्हें कौन नहीं जानता, कब आए? जी मैं कल, मेरे बहुत रोकने पर भी आज चला गया। मालूम है क्यों वापस आ गया? विमान में बैठते ही सोचा मौसी रोती होगी, एकाएक पलटी खाई और सामान ववान उतार के विमान से उतर गया। ठीक ही तो किया, मानव के मन में दया धर्म नहीं तो। पर सच सच बताओ दीदी, तुम सचमुच रोती रही? सिर्फ रोती? मैं जब लौटा ना तो खाना पीना कुछ नहीं, बिस्तर पे मुंह लपेटे पड़ी हुई। ओहो, इसलिए थोड़ी, असल में मेरे सर में दर्द हो रहा। अरे बीरू, ये उमा है, इसका गाना कल तुमने मंदिर में सुना था। अच्छा, आप गाती हैं? वैसे आपको देख के ऐसे लगता नहीं कि आप गाती हैं। आपको देख के भी तो नहीं लगता कि आप मौसी के ख्याल से विमान से उतर कर आए। छोड़िए ना, हर बात में आप मौसी को ले आती हैं। मौसी, तुमने कहा नहीं था कि दोपहर की चाय? हाँ, क्यों नहीं। देख बेटा, सदानंद भैया संगीत के सम्राट हैं, मेरी बात मान, कुछ दिन यहाँ रह जा और इनसे कुछ सीख ले। मैं क्या सिखाऊंगा दीदी, ये तो पहले ही साधना कर रहे हैं, शांति और आनंद के मार्ग पे चल रहे हैं। प्रकृति के रोम रोम में संगीत व्याप्त, शब्द में स्पर्श, स्पर्श में रूप, रूप में रस गंध, सृष्टि में सब एक दूसरे में घुला मिला है। वो बात समझ में नहीं आई। क्या? वो जो आपके पिताजी कह रहे थे, रूप में स्पर्श, स्पर्श में शब्द, और ये सब बातें घुली मिली हुई हैं, ये समझ में नहीं आती। इसमें ना समझने की क्या बात है? ठहरी ठहरी, कुछ सुन रहे हैं आप? एक चिड़िया की आवाज। ऐसा नहीं लग रहा है, ये आवाज इन फूलों से आ रही है। हेलो राज साहब। हाँ वो सॉरी, आपकी रिकॉर्डिंग कैंसिल करनी पड़ेगी, सुबीर का टेलीग्राम आया है, वो अचानक बीमार पड़ गया। हाँ नहीं नहीं, 4-5 दिन में आ जाएगा। आप ऐसा करिए, नेक्स्ट मंडे रख लीजिए। अरे आ जाएगा राज साहब, आ जाएगा, आप बेफिक्र रहिए। हाँ अच्छा सुनो, उस दिन जब तुम गाना गा रही थी, मैंने देखा तुमने वहाँ पानी डाला, उसके बाद प्रणाम किया, क्यों? वहाँ सिर्फ जी, आपको मालूम है विवाह के लिए वर वधु यही आते हैं, उन्हें किसी पंडित पंडित की जरूरत नहीं पड़ती, भगवान को साक्षी मानकर विवाह कर लेते हैं। बहुत जागृत है स्वयं भूपिंडी। मतलब शिव जी यहाँ स्वयं प्रकट हुए थे। इन सब बातों में तुम विश्वास करती हो? पिताजी कहते हैं विश्वास में ही सब कुछ है, बहस में नहीं। मानो तो देवता, नहीं तो पत्थर। अच्छा कल मैं चला जाऊंगा, दुख नहीं होगा? कल? कल ही चले जाएंगे आप? क्यों? क्यों क्या, काम नहीं करना मुझे? उमा तुमने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया, मैं चला जाऊंगा
तुम्हें दुख नहीं होगा? बड़ी माँ बहुत रोएंगी। मैं बड़ी माँ के बारे में नहीं, तुम्हारी बात कर रहा हूँ। दुख नहीं होगा? बोलो। क्यों? मेरे जाने से तुम्हें दुख क्यों होगा? मालूम नहीं, सुना सुना सा लगेगा। मुझे भी। शहर में इतनी भीड़, इतना काम, वहां आपको क्यों सुना लगेगा? तुम नहीं जानती हो मैं, शहर में इतनी भीड़, इतने काम में अचानक अकेला हो जाता हूँ। क्यों? उमा नहीं ना वहां। थैंक यू मासी। देख तू वहां अकेला पड़ा रहता है, मुझे बड़ी फिक्र रहती है। अब तू ब्याह कर। ब्याह कर लो मैं लड़की से? और नहीं तो क्या? मेरा मन कहता है तू बहुत सुखी होगा। देख मासी, शादी के बाद भी कोई आदमी सुखी रहा है मौसा के सिवा? मैंने कहा ना, तेरी बहुत सी बातें तेरे मौसे की जैसी हैं। देख बिरू, मैंने लड़की पसंद कर ली। बाप रे, पसंद भी कर ली? हाँ। कौन है वो भाग्यवान? उमा। ओ, सोचने दे मौसे। अरे पगले, ब्याह भी कोई सोचने की बात है? मुझे जाने से पहले जवाब चाहिए और वो भी हाँ में। हाँ हाँ, मैंने कहा हाँ। ओफ कमाल है कपाड़िया साहब, आप अभी तक बार के पीछे पड़े हुए? अजी जनाब, ये आर्टिस्ट का मकान है, किसी स्मगलर का नहीं। और सुनिए, वो बेडरूम का फर्नीचर मुझे बिल्कुल पसंद नहीं। अजी बेड आपने मेरी साइज का बना दिया, सोना उनको है कि मुझको? कम से कम 3 फीट और लंबा होना चाहिए, नहीं तो टांगे बाहर लटकी रहेंगी, है जी? और बाकी फर्नीचर भी एकदम फर्स्ट क्लास होना चाहिए। जी भी कुछ नहीं, आप ऊपर जाइए और मेजरमेंट लीजिए, मैं सुबीर को सरप्राइज देना चाहता हूँ, जल्दी कीजिए। सॉरी दोस्त। अरे तुम बहुत लेट हो गए। अरे तू कब आया, कैसे आया? अभी अभी आया टैक्सी से। रास्कल, तूने मुझे खबर तक नहीं की। अरे यार, मैं भी तुझे सरप्राइज देना चाहता था। अबे गधे। आइए 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 आइए, आपका परिचय करा दूं। ये है मेरी सरकार, यानी मेरे जिगरी दोस्त श्री चंद्रू कृपलानी। नमस्कार। बकबक बहुत करते हैं। और ये है, बता दो कौन है? मिसेस सिन्हा, वो मुजफ्फरपुर के फंक्शन में मिले थे ना आपसे। हाँ, आप कुछ दुबली, कुछ नाटी हो गई हैं। ए, दुबली हो सकती, नाटी हो सकती है? नहीं हो सकती है। तो जरा गौर से देख, बता कौन है। अरे हाँ, मिस अडवाणी, शिमला ब्यूटी कॉन्टेस्ट में था, फर्स्ट आया हुआ उन्हें। अबे तू तो चीफ जज था वहां पे, क्यों देखा? कैसे पहचान लिया? किया आयो ताजी शादी करी थी, बंबई के भी आयो ताजो पति का थे। अरे बाबा पति है जाया है। हाँ उमा, कोई है? अबे एक गिलास ठंडा पानी देना। ए, चलो देख, पूरा मत मान यार। क्या है कि जिस दिन मेरी शादी तय हुई ना, उसके दूसरे दिन ही मुहूर्त निकल गया। क्या करूं यार, 2 महीने तक कोई शुभ दिन ही नहीं था। ये शादी बिल्कुल नहीं मानी जाएगी भाभी, आपको दोबारा शादी करनी पड़ेगी। अरे किसके साथ? अबे तेरा ही साथ यार। हा? ये शादी कोई खेल है? दोस्तों को पता तक नहीं, कुछ खबर तक नहीं? बिल्कुल नहीं भाभी, आपको दोबारा शादी करनी ही पड़ेगी। मैं शादी कराऊंगा, सारे दोस्तों को बुलाऊंगा, धूम धड़ाका करूंगा और ऐसी शानदार पार्टी दूंगा। अरे बाबू, क्या सौभाग्य, राजेश्वर राय जी आए। आइए आइए राय साहब, मैंने तो सपने में भी नहीं सोचा था कि आप आएंगे। क्यों भाई, तुम सपने में सोचते हो? मैं तो सपने में देखता हूँ। सुनो, मैं क्या इतना बदतमीज नजर आता हूँ कि तुम्हारा नेवता मिलने पर भी नहीं आऊंगा? नहीं नहीं राय साहब, ऐसी बात नहीं है। आप ठहरे क्लासिकल संगीत का देखभाल हो, मैं एक मामूली पॉप सिंगर। वो तो ठीक है, लेकिन तुम्हारा संगीत भी तो 7 स्वरों के, यार मेरा मतलब है 7 स्वरों के बीच में। आइए आइए आइए। उमा, उमा मेरी धर्मपत्नी,
और आप हैं ब्रजेश्वर राय जी, यहाँ के क्लासिकल संगीत की दुनिया के पिता समान। अरे जीती रहो बेटी, जीती रहो। वाह, आजकल तो प्रणाम करने का रिवाज ही खत्म हो गया, मगर तुमने मुझे प्रणाम करके जानती हो क्या कर दिया है? श्रद्धा और प्यार से मुझे खरीद लिया बेटी। लेकिन सुबीर, तुमने एक बहुत टेढ़ी बात कही। क्या हो रहा है सर? ये पॉप म्यूजिक, क्लासिकल म्यूजिक, मैं आज तुम्हें बताना चाहता हूँ कि मैं संगीत का भक्त हूँ, इसलिए गाना हो जाए। अरे राय साहब, ये क्या कह रहे हैं, इतने मेहमान हैं। फिक्र मत करो, यहाँ किसी को एतराज नहीं होगा। सुबीर, ये राय साहब का हुक्म है, तुझे गाना ही होगा। अच्छा भाई, मंजूर है। लेकिन राय साहब एक बात है। वो क्या? आज मेरे साथ उमा भी गाएगी। तू गाती है बेटी? राय साहब बहुत अच्छा गाती है। तो दोनों शुरू करो। जी नहीं मैं। देख बेटी, अगर तू नहीं गाएगी तो मैं बगैर खाए पिए यहाँ से चला जाऊंगा। हाँ चंद्रू, भरा दिया बूढ़े ने। गाना ही पड़ेगा भाई। लेडीज एंड जेंटलमैन, सुनील कुमार की शादी का रिसेप्शन उनके गाने के बगैर कैसे पूरा हो सकता है? सुनील कुमार के साथ आज उनकी पत्नी उमा जी भी गाएंगी। क्यों मुझे गाने के लिए कहा? क्यों, क्या हुआ? सबके सामने। ओ, पता नहीं क्या। अगर तुम्हें डर लगे ना तो तुम मेरी तरफ देखना, और मैं ऐसे करूंगा। मतलब? इसका मतलब मैंने तुम्हें पप्पी दी। वाह वाह वाह, क्या गला पाया। जीती रहो बेटी, जीती रहो। भगवान से मेरी यही प्रार्थना है कि तुम दोनों दीर्घायु। बेटी, तूने शास्त्रीय संगीत सीखा है जी। तभी तो इतना रस था गाने में। मुबारक हो। कोई बात नहीं सुधीर, तुमने जो कुछ भी किया ठीक ही किया। जो जगह उन्होंने ली है उस जगह के लायक मैं नहीं थी। चित्रा, ठीक कह रही हूँ। सच कहूँ तो तुम्हारी शादी की खबर सुनकर मुझे ठेस तो लगी थी, लगा जिंदगी में अब कुछ भी बाकी नहीं रहा, अचानक अकेली हो गई हूँ। लेकिन तुम्हारी पत्नी का गाना सुनकर अब मुझे कोई दुख नहीं है। तुम्हारी पत्नी बनने के लायक वही है। आप मुझे नहीं पहचानेंगी, मेरा नाम चित्रा है, मैं आपके पति की दोस्त हूँ। माफ करना, हम लोगों को एक मीटिंग में जाना है, अब हम चलते हैं। मैंने आपकी बात मानी, आपको मेरी बात माननी पड़ेगी। आप बगैर मुंह मीठा के यहाँ से नहीं जा सकते। अच्छा बाबा, ले आओ मिठाई। आइए आइए। राय साहब, क्या उमा का गाना आपको सचमुच पसंद आया? बहुत पसंद आया। किसी अच्छे गुरु के पास सीखा होगा। हाँ, अपने पिता से। मैंने तो फैसला कर लिया है कि आज के बाद हम दोनों एक साथ गाया करेंगे। सुबीर, एक्सक्यूज मी। इतनी बड़ी भूल सुबीर ना करे तो अच्छा है। कैसी भूल सर? ये एक साथ गाने की। तुम नहीं समझे, उमा सुबीर से ज्यादा प्रतिभाशाली है, और इतिहास ने सिखाया है कि पुरुष नारी से श्रेष्ठ है, और जब उसकी पत्नी उससे आगे बढ़ जाए तो क्या वो बर्दाश्त कर सकेगा? उसकी फिक्र मत कीजिए सर, शादी तो हो ही गई है, सारा संगीत रसोई घर में और बच्चे पालने में चला जाएगा। ये तो और भी बुरा। ऐसे सुनने लगा, मेरी उम्र कोई 10-11 वर्ष की होगी। एक दिन रमेश आया, कहने लगा ये ले सिगरेट पी जा। मैं कहा नहीं नहीं सिगरेट विगरेट नहीं पीना। हंसने लगा जोर से, जोर जोर से हंसने लगा, कहने लगा बुजदिल कहीं का। उसने मुझे बुजदिल का इतना बुरा नहीं लगा मुझे, इतना मुझे हंसी पे बुरा लगा। जोश आ गया एकदम से, इधर लाओ सिगरेट मैं भी पीता हूँ। मुंह में लगाया, जोर से सूटा मारा, बस खत्म। इतनी बुरी तरह से खांसी आई कि तबीयत हरी हो गई, खांसते खांसते लाल हो गया मुंह मेरा। इतने में क्या हुआ, वो मैथमेटिक्स का टीचर आ गया, खड़ा हो गया। अरे सुनने लगा, हम लोग चुपचाप खड़े, मुंह मेरा लाल एकदम। अब चोर के पांव थोड़े ना होता है, देख लिया उसने। ए सुबीर, इधर आओ। पास किया मैं, मुकुल ऐसे करके सुनूंगा पकड़ा के। ये बात है, बगल वाले कमरे में एक बेंत रखी है, लेके आओ। मेरी बदकिस्मती देखो, मार मुझे पड़ने वाली है और मुझे को कह रहा है बेंत लेके आओ। सर साहब गए बेंत लेके आए, आते ही सार जो उसने रसीब किया है, सड़ाक सड़ाक। बस क्यों, मुझे नहीं सुनना है। क्यों,
मिर्गी पड़े ऐसे मास्टर। बहुत लगी थी। ए, इधर भी मारा था। सिंधु। तो क्या हुआ? सुबह कोई देखेगा तो क्या समझेगा? क्या समझेगा? इतनी रात के? हेलो, मैं राधा हूँ। हरिदास सम्मेलन में मिली थी ना। हाँ हाँ, पहचान लिया। कहिए, आपने सचमुच शादी कर ली है? जी हाँ। बीवी कहाँ है? जी बीवी तो इस समय मायके गई हुई है। आपने शादी क्यों कर ली सुबीर जी? इतने दिलों का तोड़ना अच्छा हुआ क्या? क्या करूं, मैं तो खुद गलती करके पछता रहा हूँ। सच कह रहे हैं? हाँ, मैं तो अब ये सोच रहा हूँ किस तरह अपना गला इस फंदे से निकाला जाए, डिवोर्स कैसे हासिल करूं। कौन, किसकी आवाज है ये? जी वो मेरी, मेरा नाम उमा है, सुबीर जी की पत्नी हूँ मैं। ए, ए, क्या हुआ? कुछ नहीं, मुझे सोने दो। अरे आखिर बात क्या, बोलो ना। कहा ना कुछ नहीं, मुझे सोने दो, सुबह होने को आई। ओह, वो अभी अभी तो ठीक थी, एकदम से तीखी मिर्ची की तरह। क्या हुआ? यही होता था ना मुझसे पहले, आधी आधी रात को लड़कियों के टेलीफोन, उनकी सुनते और खुद की सुनाते। अरे बाबा, वो जब की बात है, अब नहीं होगा। सच्ची से अब नहीं। मेरी 100 घंटे मान लेता हूँ, लेकिन एक शर्त मेरी भी माननी होगी। क्या? देखो, हर रोज, ज्यादा नहीं है, 100-200। ओफो, ए, अरे सुनो ना, कम कर देता, 60-70। अरे उमा सुनो, ए ऐ, उठो। उठो।